गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, माई सेल्फ रुचि गुप्ता फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। इन लास्ट क्लास वी हैड डन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 6000। 6000 आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इक्वल रुपीज 6000 फॉर द पीरियड ऑफ फ्रॉम, आपको टाइम पीरियड गिवन है 7 जून से लेके अक्टूबर 31 तक, और रेट आपको गिवन है 9% पर एनम। अब पहले आपको टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम देखिए क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, 7 जून तक, अब जून के कितने डेज हैं, जून में 30 डेज होती हैं, 7 से लेके 30 जून तक आपको काउंट करना है। काउंट करने की बजाय आप करेंगे 30 माइनस 6, 30 है, 7 से काउंट करना है तो 1 to 6 नहीं काउंट करना ना, तो 1 to 6 माइनस कर दो, 30 माइनस 6, जून के 24 डेज, जुलाई में 31 डेज, फिर अगस्त 31 डेज, सितंबर 30 डेज, ना अक्टूबर 30 डेज। अक्टूबर में 31 डेज तक लिया, इसने 31 डेज को रिटर्न कर दिए, इट मीन्स हमने अक्टूबर के लेने हैं 30 डेज। इन सबको प्लस करा, प्लस करके टोटल डेज आ गया 146 डेज। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब टाइम लेंगे उसमें लेंगे 146 डेज, लेकिन डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है। डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365, अब ये ईयर में कन्वर्ट हो गया, 365 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, पी इंटू आर इंटू टी बाय में 100, 2 से 2 कट जाएगी, 60 और 365 को 5 के टेबल से डिवाइड किया, 5 के टेबल से डिवाइड किया 12, 365 को 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे 73 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, क्या बचा आपके पास, देखो 12 × 9 × 2, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ₹216, ये आ गया आपका। अभी आपका इंटरेस्ट आया है, फिर हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो उसे टोटल पे करना है, 6216 इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में भी है क्लास, राजन बोरोड 4500 फ्रॉम अ बैंक, राजन ने बैंक से 4500 रुपीज़ लिए, तो आपका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है रुपीज़ 4500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए क्लास, सबसे पहले इसमें है 2009 से, 15 जुलाई 2009 से, पहले लेंगे 2009 ईयर, इसमें जुलाई का, जुलाई 15 जुलाई से लिया, इट मीन्स हमने 1 to 14 जुलाई नहीं लेना। अब जुलाई में कितने डेज होते हैं, 31 माइनस 14, जुलाई के 17, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31, ये हो गए आपके टोटल 170 डेज, ये हुए 2009 के। नाउ 2000 डेज इन 2010, 2010 में कितने हुए 365 डेज, वो पूरा ईयर, ठीक है। अब लेना है 2011 में, 2011 में उसने रिटर्न किया है, रिटर्न किया 26 सितंबर, तो 2011 का जनवरी में 31 डेज, फरवरी क्योंकि लीप ईयर नहीं है 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर में क्लास उसने 26 सितंबर को रिटर्न कर दिए पैसे, तो 26 का तो इंटरेस्ट वो पे नहीं करेगा, 25 तक करेंगे, 268 डेज, ये 2011 के डेज, ये टोटल हमने इसमें प्लस कर दिया 268,
इन तीनों को प्लस करके आ जाएगा 803 डेज, यानी टाइम इसमें क्या है आपका 803 डेज है, इसको हमने ईयर में कन्वर्ट किया 803 बाय 365 डेज। अब आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी 100, 5 के टेबल से डिवाइड कर दिया, 5 नाइन ज़ा 73 से 803 को आप डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, आपके पास क्या बचा 9 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 11, तो क्या आ जाएगा रुपीज़ 1485। ये आपका इंटरेस्ट आया। अभी हमें क्या निकालना है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये उसका अमाउंट है 5985। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में भी आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, फाइंड द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको निकालना है, पहले प्रिंसिपल कितना गिवन है रुपीज 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, टाइम 146 डेज 365 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी बाय में 100। अब ये कट रहा नहीं, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, उसको 146 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 21024। उसको 365 से डिवाइड करेंगे 57.6। अब हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है, 1200 पॉइंट ज़ीरो लगा लेंगे क्योंकि ये भी पॉइंट में है, 1257.6 इज़ योर आंसर। ओके क्लास, एक्सरसाइज 5.3 आपको कंप्लीट करनी है। ओके थैंक यू।